आज हम बनाने वाले हैं एकदम होटल जैसे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी। और इसकी जो ग्रेवी रहेगी ना वो एकदम इतनी क्रीमी, इतनी टेक्सचर रहेगी बिना दही बिना क्रीम के। अगर आप इस तरह की पनीर की सब्जी बनाएंगे ना तो आप होटल रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और उंगलियां चैट चैट कर खाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे सर्व करेंगे जीरा राइस के साथ। तो देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर इतनी डेलीशियस क्रीमी बिना दही बिना क्रीम के कैसे बनाते हैं, बिना काजू के हम इस पनीर की सब्जी को बनाएंगे एकदम होटल स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। ये पनीर लिया है जिसमें से हम कुछ पनीर्स को कट कर लेंगे पीसेस में, बड़े बड़े साइज में। आप जिस तरह के भी पीसेस काटना चाहें कट कर सकते हैं। और एक जो हमने साइड में पनीर का टुकड़ा रखा है इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसकी ही हम ग्रेवी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो पनीर का यूज़ करेंगे मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो पीसेस किए हैं वो तो अलग पनीर है, लेकिन हमने जो एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर पनीर के चार हिस्सों में कट कर मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है और एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 4 हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 टमाटर को हमने कट्स करके रखा है और 1 बड़े प्याज को हमने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रख दिया है एक पैन, पैन को हमने गरम करने रखा है मीडियम फ्लेम पर और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसे प्याज हरी मिर्ची लहसुन अदरक को हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि हम जो पनीर बनाने वाले हैं वो एकदम होटल स्टाइल बनेगा और होटलों में जो पनीर की ग्रेवी तैयार की जाती है वहाँ पर एक साथ इकट्ठी ग्रेवी बनाकर रख देते हैं और जब भी कोई कस्टमर आता है तो बस थोड़ा सा ग्रेवी को गर्म करते हैं, उसमें पनीर डालकर आपके सामने सर्व कर देते हैं। तो उसी तरीके की ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज हरी मिर्ची लहसुन अदरक को 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। ये अच्छे से चुका है क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने सारे मसाले को यहाँ पर डाल दिया है और अब इसे एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट चलाएंगे तो ये बहुत ही आराम से पिस जाता है और इसकी एकदम अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट आया है होटल जैसा। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े स्पाइसेस लिए हैं, तो 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्ची लिए। आप अपने स्वाद अनुसार और भी खड़े स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले भी हम इसमें डालते हैं तो उससे इतना फ्लेवर नहीं आता है। तो अब यहाँ पर गैस पर हमने रख दी है कढ़ाई, तेल गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने खड़े स्पाइसेस को तेल गरम करने के बाद डाल दिया था, 1/2 चम्मच जीरा डाला है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से साथ में मिक्स कर हल्का गोल्डन कलर होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ अदरक की स्लाइस को बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया था, लंबी स्लाइस काट के रखी हैं वो डाली हैं। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है जिसे मैं सब्जी मसाला कहती हूँ। और आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी का जो टेक्सचर है, कलर कितना अच्छा लग रहा है। हम 2 से 3 सेकेंड ही हम मसालों को पकाते हैं, नहीं तो ये जलने लगेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज लहसुन हरी मिर्ची अदरक की प्यूरी बनाई है उसे इसमें ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम दिख रही है ना होटल जैसी क्रीमी शाही टेक्सचर वाली जो है हमारी पनीर की ग्रेवी। और इसमें मैंने कलर के लिए लिया है 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो आप देख सकते हैं मसाले का जो कलर है वो एकदम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 मिनट बाद इसे पकाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने जो पनीर को पीस के रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसकी जो ग्रेवी का कलर है और भी एकदम शाही टेक्सचर ले चुका है, एकदम क्रीमी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बिना दही बिना क्रीम के हम यहाँ पर जो सब्जी बना रहे हैं पनीर की वो बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची को लंबी लंबी स्लाइस करके रखा है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि इस तरीके से आप देखते हैं पनीर की सब्जी अगर आप होटल में खाते हैं तो उसमें लंबी लंबी हरी मिर्ची भी दिखती है, तो उससे जो इसका टेस्ट है और हमारी पनीर की सब्जी का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद पकाने के बाद हमने मसाले में ऐड कर दिया है पनीर।
पनीर को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी लगभग पक चुकी है, क्योंकि हमने पहले ही प्याज लहसुन हरी मिर्ची अदरक को पीस लिया था, उसे पका लिया था। स्वाद अनुसार हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाएंगे, पनीर की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, क्योंकि पनीर डालने के बाद हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट और पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन से कवर कर कर इसे रख दिया है और 2 मिनट तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है और जो है तेल एकदम तरी ऊपर आ चुकी है, एकदम सेपरेट हो चुका है तेल। एकदम बढ़िया हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, पनीर की सब्ज़ी एकदम होटल रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसे चलते हैं सर्व करने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे हरे धनिया की पत्ती के साथ इसे सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर एकदम लग रहा है ना होटल जैसा, ढाबा स्टाइल हमारा पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ढाबे में हमें या फिर आप ऑनलाइन आप सर्व मंगाते होंगे खाना, तो जिस तरीके से डब्बे में हमें मिलता है पैकिंग के साथ, वैसे ही हमने यहाँ पे पनीर को सर्व किया है और उसे गार्निश कर दिया है कुछ हरे धनिया की पत्ती के साथ। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर, बिना दही, बिना क्रीम के, बिना काजू के कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रीमी टेक्सचर लिया है। हमारी पनीर की सब्जी बनकर स्टाइल है, एकदम होटल स्टाइल में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं जीरा राइस के साथ। मैंने घर पर जो नॉर्मल बासमती की टुकड़ी होती है वही मैंने जीरा राइस बनाकर रखा है। तो हमने इसे सर्व किया है पनीर के साथ। आप इसे गरम गरम इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको चपाती या फिर नान या रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ये बहुत ही डिलीशियस लगने वाला है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।